हाय हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी आज आप सबसे शेयर करने वाली हूँ अपना ये मेकअप लुक, जिसे मैंने क्रिएट किया है एक सिंगल ब्रांड, सिंगल मेकअप ब्रांड यूज़ करके, एंड दैट इज़ मेबेलिन। ऑल द प्रोडक्ट्स व्हाट आई हैव यूज्ड इन दिस वीडियो इज़ ओनली ऑफ मेबेलिन। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड बिफोर दैट सब्सक्राइब माई चैनल, एंड द पीपल हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच, एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नो ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू अपकमिंग वीडियोज। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेकअप स्टार्ट करते हैं ऑफ ओनली वन ब्रांड, दैट इज़ मेबेलिन। और मैं यहाँ पर मैंने अपनी स्किन को ऑलरेडी क्लीन मॉइस्चराइज और प्राइमर अप्लाई कर लिया है। मेरे पास मेबेलिन का प्राइमर नहीं है क्योंकि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। आई वुड रिकमेंड कि आप भी मत लीजिए। मैं हमेशा कलर बार का प्राइमर यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा टेक्सचर है इसका। बट मैं वन ब्रांड ट्यूटोरियल कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर अपने फेस पे लगाया है। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू अप्लाई फाउंडेशन। और फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पर मेबेलिन का फिट में फाउंडेशन शेप 230 यूज़ कर रही हूँ, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं इसे पहले अपने फेस पे फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से अप्लाई करूँगी, देन फिर उसके बाद मैं इस ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग कंसीलर, फिट मी कंसीलर मेबेलिन। और इसे मैं अपने अनइवन स्किन टोन और डार्कर एरिया को कवर करने के लिए, कंसील करने के लिए यूज़ करूँगी। और सबसे पहले मैं इसे अपने अंडर आइज़ पे लगाऊँगी, मेरे लिप्स के आसपास अप्लाई करूँगी और आईब्रोज के बीच में अप्लाई करूँगी। देन विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर मिनी स्पॉन्जेस मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग मेबेलिन फिट मी और लूज पाउडर टू सेट माई कंसीलर। I'm using this beauty blender to apply this loose powder. Meanwhile, my loose powder is getting set. तब तक मैं अपनी eyebrows fill in कर रही हूँ। Eyebrows के लिए मैं use कर रही हूँ Maybelline की ये brow pencil. And with the help of this brush, मैं इसे comb कर दूँगी। Now eyebrows are done, और अब जो भी extra powder है, loose powder है, उसे मैं buff out कर दे रही हूँ with this brush. Now next, I'm using this blusher, और इस blusher को मैं अपने पूरे eyelid पे apply कर लूँगी। अगर आपके पास भी कोई eye shadow नहीं है तो आप इस तरह से ये use कर सकते हो, blush अपने eyebrows पे apply कर सकते हो as eye shadow. Using this Maybelline Colossal Kajal, इसे मैं as a liner use कर रही हूँ।
and I'm using this eye pencil of Maybelline और इसे मैं अपने lower eyelid पे हल्का हल्का apply करूँगी. और थोड़ा सा इसे अपने inner corner पे भी apply. मैंने अपने लेंसेज भी पहन लिए हैं और नाउ मेरे दोनों आंखों का मेकअप कंप्लीट हो चुका है. आई एम अप्लाइंग मेबलिन पुशअप ड्रामा मस्कारा. नेक्स्ट टाइम अप्लाइंग मेबलिन ब्लशर दैट इज द सेम विच आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड ऑन माय आईलिड एज आई शेडो. This is same Maybelline Fit Me Blusher और मैं इसे इस ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक बोन पे. सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. यू कैन चेक फ्रॉम देयर इफ यू आर प्लानिंग टू बाय. So we are done with blusher as well and now I don't have or मैं बोलूँ मेरा मेबलिन का हाईलाइटर ख़त्म हो गया है तो मैं यहाँ पर सेम वही गोल्डन शेड यूज़ कर रही हूँ सिवाना का और इससे मैं अपने चीक बोन क्यूपिड बो और नोज पे हाईलाइट करूँगी. एंड नाउ मैं अप्लाइंग लिपस्टिक. लिपस्टिक में मैं मेबलिन की लिप ग्रेडेशन कोरल वन शेड अप्लाई कर रही हूँ और इसे मैं पहले लाइनर से शेप और एक इवन बेस दूंगी. ये ट्विस्टर फॉर्म में है. थोड़ी सी डार्क लग रही है तो मैं टिश्यू पेपर की हेल्प से इसे इस तरह से थोड़ी लाइट कर रही हूँ. एंड लास्टली मेबलिन डजंट हैव मेकअप फिक्सर तो मैं यहाँ पर नॉर्मल पैक का मेकअप फिक्सर यूज कर रही हूँ टू फिक्स माय मेकअप. फाइनल लुक मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए सिर्फ मेबलिन के ही प्रोडक्ट्स यूज करे हैं. सारे प्रोडक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर एंड प्लीज आप अपने रिव्यूज मुझसे जरूर शेयर करिए कि मेरा मेकअप लुक आपको आज कैसा लगा. एंड यस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन एज वेल सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ माई न्यू videos and till then take care and bye.